Closer to the camera, yes. Take. Sir, Uditi ka thoda sa shift karunga. Chalega, no issue. Come to right side, but fountain on karo, bas ho gaya. Fountain on karo, please on kare na, pehle jana hai. Kamal, fountain on karo, please. आ जाएंगे आपका फ्रेम फिक्स हुआ तुमच्याकडे करेक्ट माइंड ब्रेक बाबा मी तर तुम्हाला त्यांनी बघितलं करेक्ट ओके ओके अभी ये एंगल यहाँ से रोशन को लेकर आइए टू शॉट बनाइए फादर रोज का टू शॉट है उसके बाद में इन दोनों का डायलॉग डायलॉग हाँ जिप में लगाओ कैमरा ज़्यादा मत कीजिए ऐसे बैठे बैठे क्या हाल हो गया आप बैठे-बैठे मत लो। Come close. Yes. Very nice. सुनो थोड़ा आ जाना थोड़ा। चैनल के लिए ले रहा हूँ। आलोक जी स्माइल करिए थोड़ा। थोड़ा स्माइल करिए। चलेगी तो करेंगे। सर चलेगी डेफिनेटली। Very nice. उदय जी ऑल ऑफ यू यार फुल फिगर नहीं है ना सर आपका एक सोलो ले लेता हूँ बस बस इनके साथ ही मुझे चाहिए हाँ हाँ आइए ना आलू क्या है आइए ना आपके साथ तो सौभाग्य है सर मिसमैच फिल्म का एक काफी यूनिक सा नाम है क्या क्या बताना चाहेंगे मेरे ख्याल से हमारे डायरेक्टर साहब गिरीश वसाईकर साहब ये बताएंगे मिसमैच ये टाइटल हम लोगों ने इसलिए रखा है क्योंकि आजकल के ज़माने में एक लड़की को एक परफेक्ट मैच मिलना बहुत मुश्किल है और एक लड़की की तलाश है अपने परफेक्ट मैच को ढूंढने की और जितने भी लाइफ में उसको लड़के मिलते हैं सारे मिसमैच है इसलिए हम लोगों ने इसका टाइटल मिसमैच रखा है मैं उस लड़की जो हमारी हीरोइन है उसके फादर का किरदार कर रहा हूँ और ये मैं जानता हूँ मेरी बेटी कितनी आइडियल है और उसकी चॉइस क्या हो सकती है तो उसको मनाने के लिए सारा ये जो प्लान रचा जाता है हीरो के साथ तो उस प्लान में मैं शामिल हूँ और बस हीरोइन का फादर हूँ
जी आप काफी चूजी अपने मतलब स्क्रिप्ट को लेके, तो आपको इस फिल्म में ऐसा क्या खास लगा? जिस दिन गिरीश ने ये सब्जेक्ट ही सुना है तो उस मतलब बगैर कुछ सोचे समझे हाँ बोल दिया, और गिरीश की पहली फिल्म है तो मेरी तरफ से उसके लिए ये बेस्ट विशेज है, और उसके साथ फिल्म करना इट्स अ प्लेजर। वी हैव डन अ लॉट ऑफ टेलीविजन टुगेदर, बट फिल्म में भी मज़ा आ रहा है और सब्जेक्ट तो बहुत कमाल का है। और सर आप बताइए, मिस मैच पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? इस फिल्म के बारे में बताइए, आपका इंट्रोडक्शन, आपका किरदार क्या है? मेरा किरदार नहीं, आई एम द प्रोड्यूसर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। मतलब क्या पर आप मुझे यदि एक्टर समझ रही हैं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। नहीं लेकिन पहले, मैं कुछ देर पहले कोई मेकअप करने भी आ गया। इससे पहले कि ये शुरू हो जाए एज अ प्रोड्यूसर, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरह से सारा अरेंजमेंट और जिस लेवल पे ये फिल्म बना रहे हैं ना, सो इट्स रियली फैंटेस्टिक एंड आई एम श्योर इट इज अगेन गोइंग टू मैच। आजकल का जो मराठी का स्टैंडर्ड आ गया है तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू मैच दैट, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर दिस सब्जेक्ट टू। नाउ प्लीज ओवर टू हिम। सर जी आप बताइए सब्जेक्ट के बारे में। ये लव स्टोरी है, एनआरआई लड़की है, उसको प्यार करके शादी करना है और हिंदुस्तान में आके शादी करना है। अमीर लड़की है और इगोइस्टिक है, उसकी अपनी विचारधारा है, उसको उसके हिसाब का लड़का यूएस में जो उसे चाहिए नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इंडिया आती है अपने होम टाउन और यहाँ वो अपना मैच ढूंढती है। दिस इज़ द स्टोरी। और म्यूज़िक की बात की जाए सर, तो किस तरह का म्यूज़िक मिलेगा? म्यूज़िक इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जो लव स्टोरी में होते हैं, जैसे कि रोमांटिक सॉन्ग है, लव का रियलाइजेशन सॉन्ग है हीरोइन का, कि उसे जब ये महसूस होता है कि अब मुझे प्यार हो गया, व्हेन द फिल्म इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स। आज का सीन है, ये क्लाइमैक्स है जिसमें लड़की के फादर और लड़के के माँ बाप हीरो के भूषण प्रधान के आते हैं, इन लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि ये लोग कहाँ से आ गए, क्योंकि ये दोनों छुप के शादी करने वाले हैं और इनको देख के ये लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। जी, और ये फिल्म रिलीज कब तक होने वाली है? हम लोगों की प्लानिंग अगस्त की है, पर देन लेट्स सी कब होती है। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? लास्टली दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि ये फिल्म देखिए और देख के इसको एंजॉय कीजिए, थोड़ा हमारी भी जेब भर जाए जो खर्चा कर रहे हैं वापस रिटर्न आए, बिकॉज इट्स अ सिंसियर एंड हार्ड एफर्ट, इट शुड पे होना चाहिए वो। थैंक यू सो मच। इधर ही ले लो ना, तू ले ले फोटो, ले ले जो ले। हाँ। ये दो मिनट, एक सेकंड फोटो लेने दे, फिर पहले फोटो ले लें दो। नहीं ले ले लो आप। हाँ आइए सर, आप पूरा टीम आइए, पहले इनके दोनों को ले लेना। हाँ हाँ दोनों का ला ला, इनको बाइक भी लेना है। हाँ ये बोल ले चलिए ओ जा या किस वन दादा मेकअप दादा ऑटो। अरे वो हट, अरे अरविंद रुकना, अरे तो बस है, अरे पढ़ ले सर, वेट वेट सर, थोड़ा कुछ पोज चेंज करो ना, पोज थोड़ा डिफरेंट पोज। हाँ डिफरेंट, हीरो हीरोइन वाला पोज। ये पोस्टर से जाना। हाँ हाँ थोड़ा स्माइल करो यार कुछ। चलो नेक्स्ट फाइट कर ले। मिस मैच फिल्म में किस तरह की फिल्म है, किस तरह किरदार है आप लोग का? मिस मैच में मैं राज का किरदार निभा रहा हूँ। अभी राज है कैरेक्टर, डू यू वांट दिस इन हिंदी और मराठी? एग्जैक्टली हिंदी। ओके, तो Rather, I would say Priya is one of the main protagonists in the film. जहाँ प्रिया का मकसद ये होता है कि उसको अरेंज मैरिज बिल्कुल नहीं करना है, लव मैरिज करना है, लेकिन उसके सारे एक्सपेक्टेशंस जो है वो अरेंज मैरिज के हैं। यानी इट इज़ ऑल यू नो, शी हैज़ अ परफेक्ट मैच फॉर हरसेल्फ इन हर माइंड सेट कि द गाय हुम आई वॉन्ट टू मैरी इज गोइंग टू बी लाइक 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। लेकिन ये सब चीज़ें ये अरेंज मैरिज में मिल सकती है कि यू हैव योर क्राइटेरिया एंड यू सर्च फॉर अ गाय अकॉर्डिंगली। लेकिन प्रिया को ऐसे चाहिए कि ये मेरा क्राइटेरिया है, लेकिन लव मैरिज में मुझे ऐसा बंदा मिलना चाहिए। सो ऐसे कैसे होगा? एंड कोइंसिडेंटली उसके लाइफ में ये मैच आ जाता है। अभी वो आने के बाद क्या वो उसे आइडेंटिफाई करती है, ये मैच उसको वाकई में पसंद आता है, ये सब फिल्म में आगे एक एक स्टेप वाइज वी मूव अहेड। सो यस, एज वी राइटली से तिचा अपेक्षा, सो दीज आर हर एक्सपेक्टेशंस विच द गाय इज गोइंग ऑन फुलफिलिंग।
and finally you have to see whether they come together or no. I'm playing Priya. और प्रिया एक ऐसी लड़की है हु इज़ वेरी मॉडर्न इंडिपेंडेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड लड़की है एंड शी हैज़ मेड अप हर माइंड कि उसको अरेंज मैरिज करनी नहीं है. NRI डैड है उसके जो ऑब्वियसली हर एक की लाइफ में होता है, जैसे हर एक लड़की मना कर देती है अरेंज मैरिज से, वही प्लॉट हमारी स्टोरी का है. एंड शी इज़ वेरी कन्फ्यूज एंड क्या क्या होता है उस जर्नी में, डज शी फाइंड हर मैच एंड वॉट काइंड ऑफ पीपल शी मीट्स. That is the storyline of a film mismatch. आज climax shoot हो रहा है, climax में क्या होने वाला है आज? हाँ, ये अगर बता दिया तो आप film में क्या देखोगे? Honestly, most of the films, yes, they do have a happy ending. फिल्मों में happy ending is what we actually wait for. And I would say yes, आज climax shoot कर रहे हैं, so definitely there is a happy ending. अभी आप देखोगे क्लाइमैक्स क्या है, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा क्लाइमैक्स शूट मत करना, सिर्फ एंड का पोर्शन शूट करना जहां पे वो हैप्पी हैप्पी दिखा लो. लेकिन देयर इज अ मेजर ट्विस्ट इन द क्लाइमैक्स, सो दैट इज व्हाट इवन यू शुड हेल्प अस हाइड इट. बट यस, बढ़िया फिल्म है. वी हैव एंजॉयड वर्किंग टुगेदर. दिस इज आवर फर्स्ट फिल्म टुगेदर एंड इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी वर्किंग विद प्रिया एज वेल एज द प्रोड्यूसर्स एज वेल एज माई डायरेक्टर गिरीश वसाईकर, जिनके साथ मैंने पहले काफ़ी काम किया है, रादर टेलीविजन में काफ़ी काम हमने साथ में किया है. सो वो कम्फर्ट लेवल उनके साथ कंटिन्यूसली था और अभी वी ऑल आर रॉकिंग हियर एंड वी आर हैप्पी वी आर शूटिंग द क्लाइमैक्स. सबसे ज़्यादा बात अगर इस फिल्म के बारे में कुछ करूँगा मैं तो वो म्यूजिक ही है, बिकॉज वी हैव गॉट ए सिंगर्स लाइक हरिहरन जी है, सोनू निगम जी है, फिर आशा जी ने एक गाना गाया मृणमयी के लिए, अवधूत गुप्ते जी अ वेरी वेल नोन पॉपुलर सिंगर इन मराठी, उनका एक गाना है. एंड ऑल थ्री सॉन्ग्स ऑल फोर सॉन्ग्स रादर आर ऑफ डिफरेंट जॉनर एंड एट द सेम टाइम दे आर इक्वली कैची. सो आई हैव गॉट टू परफॉर्म ऑन ऑलमोस्ट थ्री ऑफ दोज सॉन्ग्स फ्रॉम द फिल्म एंड डिफरेंट लुक्स एंड द डिफरेंट आई वुड से सॉन्ग तो अलग है ही, लेकिन द वे वी हैव शॉट इट इज ऑल्सो डिफरेंट. So, बहुत मसा किया है. I have liked the way we both have performed in the song and the director and the producers also liked it. So, we are very confident about the songs. Songs भी बहुत catchy है. So, just waiting for the music release and I'm sure सबको पसंद आएगा. जी सर, आप बताइए, आपको एक लड़की के पिता है, आप किस तरह का exactly चाहते हैं, कैसा ओवर है? ये जो हमारी लड़की है इस फिल्म की, आप देख समझ रहे होंगे कैसी है, मतलब बिल्कुल उसूल और बस मैं ऐसे ही करूँगी. और लाडली है मेरी, इकलौती बेटी है, तो अच्छी तरह से इनको जानते हुए, ये मानने वालों में से नहीं आसानी से, तो उसे बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ी कि इनको एक अच्छा सा प्यारा सा हस्बैंड मिले. और थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो गए हम लोग, एक अच्छा सा प्यारा सा हस्बैंड मिल गया एंड बस ये कोशिश थी और पूरी हो गई और दोनों खुश है अभी. जी, आप दोनों के साथ तो इतने एक्सपीरियंस एक्टर है, क्या कुछ सीखने को मिला, कुछ खास? डेफिनेटली आई वुड से कि राइट फ्रॉम द प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर उदय सर एंड इवन भूषण, आई थिंक इज अ परफेक्ट को स्टार, ऑल ऑफ देम, आई थिंक द टीम इज़ वेरी वेरी गुड. मेरी डेब्यू फिल्म है बट आई थिंक एवरीबडी इज बीन सो सपोर्टिव एंड मुझे ऐसा लगा ही नहीं कभी कि मैं काम कर रही हूँ या कोई प्रेशर है या मैं न्यू कमर हूँ. एवरी डे एवरीबडी गिव्स मी सम एक्टिंग टिप्स और समथिंग और याद, बहुत अच्छा एटमोसफियर है, सो आई एम फीलिंग रियली नाइस शूटिंग हियर. मृणमयी के साथ डेफिनेटली पहली फिल्म है, विद अदर एक्टर्स उदय जी के साथ मैंने काफ़ी फिल्में पहली की हैं, रादर टेलीविजन में भी हम साथ में थे, सो इसलिए वो कम्फर्ट लेवल तो कम्प्लीटली था. ही हैज़ प्लेड माई फादर इन अ फिल्म अर्लियर, ही हैज़ प्लेड माई फादर इन लॉ ऑल्सो इन अ फिल्म अर्लियर, सो सब रिलेशन्स हो गए. अभी तो शायद से भाई भी बनेंगे किसी एक फिल्म में, बट डेफिनेटली दैट कम्फर्ट लेवल वॉज ऑलवेज देयर. मुग्धा जी हु प्लेज माई मॉम, शी हैज़ ऑलरेडी प्लेड माई मॉम इन वन ऑफ द शोज, सो इसलिए द रेस्ट ऑफ द कास्ट हैज़ बीन कम्प्लीटली नोन टू मी और उसकी वजह से और ज़्यादा ही कम्फर्ट लेवल था उनके साथ काम करते वक्त. लेकिन यस, वो कम्फर्ट लेवल होने की वजह से ही अगर कहीं परफॉर्मेंस में कमी या कुछ है तो वो क्लैरिटी कम्प्लीटली हो जाती है कि ही विल कम एंड डायरेक्टली टेल मी कि नहीं ये ऐसे ऐसे करके देखो, तो दैट इज़ देयर एंड इवन आई एम ओपन टू फीडबैक एंड इट हेल्प्स मी डेफिनेटली, सो थैंक यू फॉर दैट. इनफैक्ट हम सबको कम्फर्टेबल सबसे ज़्यादा करने वाले जो हैं हम, एक दूसरे तो यारी दोस्ती में करते रहते हैं, लेकिन द पर्सन यू कॉल कैप्टन ऑफ द शिप, वो हमारे ऐसे बेचारे चुपचाप खड़े हैं लेकिन हमको कंफर्टेबल करने वाले ये है. जी सर, आप बताइए, आप तो डायरेक्टर रहिए, यूनिक सा नाम आपको कहाँ से सूझा?
नाम हमको ऐसा ही चाहिए था जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाए फिल्म देखने के लिए। और आजकल जो फिल्म बन रही है, आजकल जिस तरह की फिल्में बन रही है, वो बहुत ज़्यादा मराठी नामों की भी है और अभी थोड़ा सा हिंदी नामों का भी ट्रेंड आया है, तो हम लोग ने थोड़ा सा इंग्लिश नाम भी डाल दिया। और क्योंकि मराठी फिल्मों ने अभी काफ़ी मतलब ऊंचा दर्जा भी ले लिया है, तो क्या उम्मीद है, क्या ऑस्कर में जाने की कोई उम्मीद? नहीं नहीं नहीं, अभी तो ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि उन लोगों को कितनी अच्छी लगती है फिल्म। अगर फिल्म अच्छी लगती है तो डेफिनेटली अपने सर के ऊपर उठाएंगे, लेकिन ये सब डिपेंड करता है हमारे प्रेक्षकों के ऊपर, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम मेहनत करके एक फिल्म बनाते हैं, तो उसको सराहना ना सराहना तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। सर जी आप बताइए, आप किस तरह से जुड़े इस फिल्म से? मैं आई एम प्लेइंग हिज फादर, सचिन फादर, हिज फादर, और मैं आलोक जी का अच्छा फ्रेंड हूँ। एक्चुअली आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। मैं 10-15 ईयर से थिएटर करता था बीच बीच में, तो ही टोल्ड मी देयर इज अ गुड रोल टू प्ले, सो आई एम विद हिम। मैं एक्चुअली पूना से हूँ, थिएटर से, तो वहाँ थोड़ा बहुत थिएटर करता था। एक 12-15 साल पहले मैंने एक गीता रहस्य नीतीश की सीरियल थी, उस पर ऑलमोस्ट 8-10 एपिसोड्स किए थे, तो ही न्यू दैट, सो ही जस्ट कॉल्ड मी। गिरीश के साथ भी आपकी पहली पिक्चर है, या मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा, किस तरह के डायरेक्टर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इज वेरी कोऑपरेटिव, वेरी नाइस डायरेक्टर। सर आप बताइए, किस तरह से जुड़े फिल्म का जब कास्टिंग हुआ था, सो इट वाज ऑल फॉर्मली, हमने ऑडिशन वगैरह दिया, सब कुछ हुआ, तो हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जी, इनको काम अच्छा लगा और उसके बाद में फिर हमारा सिलेक्शन हुआ। तो उस वक्त मैं सिर्फ डायरेक्टर को पहचानता था, पर ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात हुई कि उसके बाद में हमारे प्रोड्यूसर जी के साथ, जो अभी यहीं पर है, सो उनसे हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हुई। और फिर इस फिल्म का हमने जिस तरीके से ये पार्ट पार्ट में हमने किया, उससे वो दोस्ती और गहरी होती गई। और इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो इस करंट डेट में जो भी कुछ चल रहा है उससे यानी लोगों लोग रिलेट कर पाएंगे। कुछ कुछ टॉपिक्स तो ऐसे इतने हॉट है जो अभी मैं बताऊंगा तो वो रिवील करने जैसा हो जाएगा, सो आई वोंट से, पर इट्स गोइंग टू बी अ बिग हिट। सर पर्सनली आप लव मैरिज को ज़्यादा तवज्जो देंगे या अरेंज मैरिज? नो, आई वुड गो फॉर लव मैरिज, क्योंकि अरेंज में वो ये होता नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। अगर मुझे लंबे दौर में टिकाना है, सो आई वुड गो फॉर लव मैरिज। मैंने अपना दिमाग और मेहनत इन्वेस्ट किया है, पैसे से ज्यादा जी। और इनकी पहली पिक्चर है गिरीश जी की, तो किस तरह का कोऑपरेशन मिला आपको? पूरा कोऑपरेशन मिला। होता क्या है कि फिल्म बनाते समय बेसिकली प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, क्रिएटिव्स जितने होते हैं, यदि उनके दिमाग एक डायरेक्शन में सोचते हैं तभी वो लोग काम कर सकते हैं। तो मेरा और गिरीश जी का दिमाग एक चीज़ को एक तरह से सोचता है, डिफरेंस नहीं है जी। आप लोगों को तो काफ़ी सपोर्टिव सा एनवायरनमेंट मिला है, क्या उम्मीद है, किस तरह ये पिक्चर सबको पसंद आएगी, आप बताइए? आई बिलीव कि ये पिक्चर में सब कुछ है, इमोशंस है, स्वीट सस्पेंस है, एक अच्छी सी लव स्टोरी है। एंड आई थिंक मुझे जो ब्रेक दिया गया है और मुझे जो रोल दिया गया है, इट्स अ ड्रीम रोल फॉर मी। आलोक श्रीवास्तव जी ने जो मुझे ब्रेक दिया है, आई थिंक आई रियली लव दिस रोल, आई हैव फॉलन इन लव विथ माई कैरेक्टर। एंड आई वुड से दैट एवरी गर्ल विल रिलेट टू दिस स्टोरी, बिकॉज आजकल यही होता है कि नोबडी वॉन्ट्स टू गो इन फॉर अरेंज मैरिजेस। सो आई थिंक इट्स अ नाइस जर्नी ऑफ अ गर्ल गोइंग एंड फाइंडिंग हर मैच फॉर हरसेल्फ, सो आई एम श्योर एवरीबडी विल लव इट। यूथ काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएगी इस स्टोरी से, एट द सेम टाइम पेरेंट्स, ये जो एज ग्रुप है वो भी रिलेट कर पाएगा, क्योंकि ट्रेंड बहुत चेंजिंग है, लाइक अरेंज मैरिजेस और लव मैरिजेस सक्सेसफुल क्या है, अरेंज मैरिजेस है या लव मैरिज, इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग दिखने को मिलेगा आपको, रादर इट्स लाइक द ट्विस्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज क्वाइट डिफरेंट, सो उसके लिए डेफिनेटली मूवी देखना ज़रूरी है। बट यस, यूथ काफ़ी ज़्यादा पसंद करेगी इस फिल्म को, ये गारंटी है। बाकी काम तो ईच ऑफ अस आर ट्राइंग टू गिव अ बेस्ट एंड वी जस्ट होप दैट इट रीचेस द ऑडियंस। Yeah.
क्या होगा नंबर आप लेके जाओ भी। आइए सर एक लास्ट फोटो ले प्रो कट करना। हां हां कट दे आप ही ले रहा हूं। बारिश आ गई बारिश क्या।